क्लास में क्या पढ़ा था? वेक्टर, हम लोगों ने कुलाम्स लॉ पढ़ा था बेटा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? कुलाम्स लॉ। अब हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ, मतलब डायरेक्शन के साथ हम लोग कुलाम्स लॉ को समझेंगे। इलेवेंथ क्लास में आपने वेक्टर टॉपिक पढ़ा होगा, वेक्टर टॉपिक, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जो बेटा मैग्नीट्यूड भी कैरी करती है और डायरेक्शन भी कैरी करती है, तो फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे ये हम लोग देखेंगे। तीन नंबर में क्वेश्चन फुल आ जाता है हमारे पास, आसान सा क्वेश्चन है, सेटअप बनाना है और रिप्रेजेंटेशन करना है। साथ में हम यहाँ पर एक चीज और करेंगे बेटा, क्या करेंगे हम लोग, ये भी प्रूफ करेंगे कि जो कुलाम्स लॉ होता है दैट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द टू बॉडीज। ये भी बात हम प्रूफ करेंगे, इसी के साथ प्रूफ कर लेंगे बेटा, अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए मेन फोकस रखते हैं वेक्टर फॉर्म पर और धीरे से हम प्रूफ भी कर देंगे थर्ड फॉर्म भी। शुरुआत करते हैं बेटा, कैसे करेंगे? दो चार्ज है हमारे पास, Q1 Q2, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, दो चार्ज है मेरे पास Q1 Q2, कहां रखे हैं? A और B पर रखे हैं। A और B की जो लोकेशन है, A और B की जो पोजीशन है वो क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर, अगर हम ध्यान से देखें A और B का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ये हो गया R1 और ये हो गया बेटा R2। A और B का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? R1 और R2। तो हम यहां क्या कहेंगे? OA इज इक्वल टू R1, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, A का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, A का पोजीशन वेक्टर कहें या Q का भी पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं बेटा हम लोग किसकी? कुलाम्स लॉ की। A का पोजीशन वेक्टर आ गया, दूसरा OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R2 रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ B का पोजीशन वेक्टर होगा बेटा, B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? B का पोजीशन वेक्टर होगा R2, A का पोजीशन वेक्टर होगा R1। पोजीशन वेक्टर्स रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो गया, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन। कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, एंड कहां पर होते हैं? फाइनल पॉइंट पर होते हैं। ये प्रॉपर्टी है पोजीशन वेक्टर की, ऑल पोजीशन वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर की प्रॉपर्टी को इनिशियल, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो? ओरिजिन से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वेक्टर, तो ये कैसे वेक्टर है बेटा? को इनिशियल वेक्टर हो गए, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो अगर मैं 1 से 2 की तरफ जाऊंगा, 1 से 2 की तरफ, तो इसे कहेंगे R12, इसे क्या कहेंगे बेटा? R12 इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 का, 1 से 2 की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हमेशा जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R1 R2, फाइनल R2 है ना, माइनस R1, R12 is called R12 is called displacement vector 1 से 2 तक, और R12 को represent किससे करेंगे? R2 minus R1 से करेंगे। ये बन गई equation number 1, displacement vector। इसी तरह से अगर मैं कहूं displacement vector 2 से 1 की तरफ, हम 2 से 1 की तरफ भी तो जा सकते हैं, B से A की तरफ भी तो जा सकते हैं बेटा, इनिशियल पॉइंट B ले लें, फाइनल पॉइंट A ले लें, तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? R21 इज इक्वल टू R1
फाइन टू आर वन माइनस आर टू। अब इसको मैं थोड़ा सा बदल के लिखूंगा, माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो आ जाएगा आर माइनस आर वन और आर टू करते हैं आर वन टू। तो एक छोटी सी बात प्रूफ हो गई तीन नंबर इक्वेशन में कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स होते हैं बेटा आर वन टू इज नेगेटिव ऑफ आर टू वन, आर वन टू इज नेगेटिव ऑफ आर टू वन, दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का कितना है, मैग्नीट्यूड दोनों है आर है बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, आर मैग्नीट्यूड है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। इसे तीन नंबर इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे बेटा, काम आएगी हमारे बाद में, काम आएगी बाद में, अभी हम शुरू करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हालांकि शुरू हो चुका है टॉपिक, बट अब हम इसमें अगला स्टेप लेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, फॉर क्यू वन, क्यू वन की बात कर लेते हैं ना, क्यू वन की बात कर लेते हैं, फॉर क्यू वन, क्यू वन की बात करते हैं। क्यू वन पर फोर्स लग रहा है बेटा, कौन लगा रहा है क्यू वन पर फोर्स, कौन लगा रहा है, क्यू टू लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है क्यू वन पर क्यू टू फोर्स, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये डिपेंड करेगा साइन क्या है दोनों का, दोनों का साइन क्या है। तो हम यहां एक कंडीशन ले लेते हैं बेटा, क्या कंडीशन ले लेते हैं, सेम चार्ज, दोनों सेम चार्ज के पार्टिकल हैं, सेम चार्ज Q1 Q2 सेम चार्ज है, एग्जाम में देख लेना बेटा सेम के लिए आया है या अपोजिट के लिए आया है, नंबर कट जाएंगे अगर आप उल्टा लिख दोगे तो, सेम चार्ज के लिए या अपोजिट के लिए नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, याद रखना। तो ध्यान से देखना कौन सा आया है क्वेश्चन, सेम चार्ज के लिए वेक्टर फॉर्म निकालनी है या अपोजिट चार्ज के लिए, कुछ भी ना दिया हो तो सेम चार्ज के लिए निकाल देना। तो सेम चार्ज के लिए वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं, सेम चार्ज का मतलब क्या हो गया, सेम चार्ज का मतलब हो गया कि अब जो फोर्स लगेगा Q1 Q2 पर, दोबारा बना रहा हूं मैं बेटा यहां पर R1, ये R2, ये हो गया हमारा R, ये हो गया आपका R1 2 और ये हो गया हमारा R2 1, ठीक है, ये R2 1, ठीक है बेटा, ये हमने फिगर बनाई है यहां से R21। अब देखो फोर्स किधर लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा F12, F12 वन के ऊपर टू की वजह से फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा बेटा F12 वन के ऊपर टू की वजह से फोर्स F12 यहां पर लगेगा और F12 और इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर लगेगा F21, इस पर फोर्स लगेगा F21 बेटा F Q1, Q1 की बात करेंगे, फोर्स लगेगा F12 वेक्टर फॉर्म में, किसी चार्ज की वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं बेटा हम लोग, मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसका और उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं F12। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा तरीका होता है, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, उसका यूनिट वेक्टर लिख दो। मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। आर वन टू, यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो बेचारे के पास वन ही होता है, डायरेक्शन ही होती है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एफ वन टू का मैग्नीट्यूड कूलाम ने बताया था फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड, तो हो गया यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर देखो किसके बराबर होगा तरफ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हमारा आर टू वन, आर टू वन की डायरेक्शन भी सेम है, जिन वेक्टर की डायरेक्शन सेम, जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है हमेशा याद रखिए उनका यूनिट वेक्टर भी सेम होता है। तो यहां पर R12 is equal to R21, F12 is equal to R21, ये दोनों वैल्यू उठाकर यहां डाल देंगे और बस देखो काम हो जाएगा हमारा, 1 upon 4 pi epsilon not Q1 Q2 upon R square into R12 cap, R12 cap, और R12 cap को हम क्या लिखेंगे, R12 कैप को हम लिखेंगे
R21 वेक्टर अपॉन R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, R21 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यहां से बेटा देखो फॉर्मूला क्या बन गया, F12 इज इक्वल टू 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R3 R21 यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन Q1, Q1 के ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में, फोर्स का एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में। इसी तरीके से फॉर Q2 की बात करेंगे बेटा, Q2 पर फोर्स लग रहा है, देखो दोबारा समझो और आएगा समझ में, जैसे जैसे बार बार करेंगे आएगा समझ में। F21 को हम क्या लिखेंगे, सोचो F21 को क्या लिखेंगे बेटा, F21 मैग्नीट्यूड और F21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2, और यूनिट वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, R12 के बराबर होगा। R12 और R21 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर लिख देंगे R12 यूनिट वेक्टर। इसे क्या लिख देंगे बेटा, 4πε0 Q1 Q2 R2 R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। So F21 is equal to 4πε0 Q1 Q2 R3 R12 वेक्टर। ये आपका आ गया, क्या आ गया बेटा, सेकंड चार्ज पर वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। ये सिमिलर चार्ज के लिए था, अभी मैं आपको अपोजिट चार्ज के लिए बताऊंगा तो और ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी बेटा, ठीक है, और ज्यादा चीजें समझ में आ सकती हैं, ठीक है ना। यस सर। करो यहां तक करो बेटा इसको। कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए बेटा क्विक एकदम। R12 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21, F21 4πε0 Q1 Q2 R3 क्या लिख सकते हैं बेटा इसे, माइनस ऑफ R21, ये हमने प्रूफ करा था यहां से, ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, माइनस साइन बाहर आ जाएगा बेटा यहां पर, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R3 R21। और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, इक्वेशन में यहां देखो, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ये एक नई बात हमें यहां से पता चली कि दोनों फोर्सेस जो चार्ज के ऊपर लग रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलॉम लॉ ओबे करते हैं बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ। ये हमने यहां पर एक नई बात प्रूफ कर दी बेटा, ठीक है। अगर एग्जाम में थर्ड लॉ नहीं पूछा जा रहा है, तो आप ये वाली बात भी मत लिखना और ये लास्ट वाली बात भी मत लिखना, बस यहां से शुरू करना, पहले वाला बीच वाला कॉलम और यहां तक लाकर छोड़ देना बेटा, बस इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि थर्ड लॉ भी प्रूफ करो, तो फिर ये बिल्कुल आपको शुरू से दोबारा एज इट इज करना पड़ेगा बेटा, एज इट इज करना पड़ेगा।
फटाफट बताएंगे बेटा मैसेज लिखकर अगर हो जाए तो सभी बच्चे। के बाद ध्यान से देख लीजिएगा सिमिलर चार्ज है या अपोजिट चार्ज है, ये बात देख लेना। तो अगर सेम चार्ज है तो ये कंडीशन है, लेकिन अगर अपोजिट चार्ज आ जाए बेटा, अगर मैं यहां पर कर दूं अपोजिट चार्ज, देखो ये आपको अपने आप सोचना है कि अपोजिट चार्ज होने की कंडीशन में क्या होगा। ये दोनों फोर्सेस अंदर की तरफ लगेंगे, हाँ अंदर की तरफ हो जाएगी इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन। तो अंदर की तरफ हो जाएगी तो बेटा क्या फर्क पड़ेगा, अंदर की तरफ हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, एफ वन टू और इसका मैग्नीट्यूड अंदर एफ टू वन, ठीक है, एफ टू वन अंदर हो गया, एफ वन टू अंदर हो गया, फर्क कहां पड़ेगा, यूनिट वेक्टर पर। अब R12 is equal to R12, ये बात ध्यान रखना, F12 R12 के बराबर होगा। तो यहां पर R12 आ जाएगा, R12 आ जाएगा, R12 आ जाएगा, और यहां पर F21 is unit vector of F21, R21 आ जाएगा बेटा, R21 आ जाएगा, R21 आ जाएगा, और ये आपकी आ जाएगी वेक्टर फॉर्म किसके लिए, किसके लिए आ जाएगी बेटा, अपोजिट चार्ज के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में ये फर्क बढ़ जाता है जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये आंसर ए और बी बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब सेम चार्ज होंगे तो पोजिशन वैक्टर्स आर वन टू एफ टू वन के बराबर आएगा और आर टू वन एफ वन टू के बराबर आएगा, लेकिन जब अपोजिट चार्जेस होंगे, जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होगा बेटा, अपोजिट चार्जेस के लिए क्या होगा, अपोजिट चार्जेस के लिए क्या होगा बेटा, अपोजिट चार्जेस के लिए आर एफ वन टू आर वन टू के बराबर होगा और एफ टू वन आर टू वन के बराबर होगा। ये बात बस आपको फोकस रखनी है, अगर ये बात फोकस कर लेंगे तो ये दोनों आपके आंसर सही आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो किसी को कॉपी करना हो तो कॉपी कर लो, और एक बात मुझे बताओ बेटा जरा सोचकर, हेली